दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह तथा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती सुमिता सिंह ने शुक्रवार को कुलपति शिविर में एक कंपोस्ट मशीन का उद्घाटन किया, जिसके द्वारा कचरे को जैविक खाद बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय के ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के थीम एब्सोल्यूट कंजम्पशन विद जीरो वेस्ट के तहत विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाली ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन मात्र 10 दिनों में ही किसी भी प्रकार के कचरे को खाद में परिवर्तित कर देती है। यह मशीन कचरे को काटकर उसमें उच्च तापमान पर बैक्टीरिया का प्रवाह करती है, जिससे कचरे को खाद बनाने में समय कम लगता है। समान रूप से गड्ढे में डालने पर कचरा 5 से 6 महीने में ही खाद बनता है। कुलपति आवास पर स्थापित की गई मशीन एक छोटी मशीन है, जो कि एक बार में 10 किलो कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित करेगी। एक महीने में विश्वविद्यालय छात्रावास शिक्षक कॉलोनी में 20 किलो क्षमता की 4 मशीन तथा विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर 100 किलो प्रति घंटे की क्षमता वाली एक मशीन इंस्टॉल करने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय गोरखपुर नगर निगम से संपर्क कर उससे संसाधन एवं मानव संसाधन की सहायता ली जाएगी, जिससे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित इस कंपनी द्वारा भविष्य में पूरे गोरखपुर के कचरे को जैविक खाद बनाया जा सके और गोरखपुर को देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के समकक्ष में लाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि कुलपति जी के सानिध्य में हम सभी को नित नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। विश्वविद्यालय में कंपोस्ट मशीन की स्थापना से विश्वविद्यालय से निकलने वाले कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकेगा। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए रजिस्ट्रार डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि कुलपति जी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय नवाचारों को प्रारंभ कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे कर्मठ तथा दूरदर्शी व्यक्तित्व वाले कुलपति जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में विभिन्न संकाय के अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्षगण, ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव से संबंधित डॉक्टर सिंटू कुमार, डॉक्टर विनीता, वित्त अधिकारी धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र सिंह तथा अन्य शिक्षकगण व अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा। ओम विश्वकर्माय भूर्मा विश्वकर्माय ओम जलम देवा विश्वकर्माय देवा गस्ते सुराम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वा साधके सरितुम के गौरी नारायणी नमस्ते भूर्मा गस्तावाय भूर्मा भगवान की जय। विभागाध्यक्ष महोदय, कि अभी पूर्वांचल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी इस तरह की कोई योजना हमारे यूपी में भी नहीं है, जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुलपति जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन कि हमारा जितना भी कचरा है पूरे अभी यूनिवर्सिटी कैंपस का जो कचरा है उसको हम लोग कंपोस्ट में बदलने की मशीन यहाँ पे स्टाफ स्वागत करते हैं, इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। माननीय कुलपति जी, जब से इस कैंपस में आए हैं हम लोगों कि हम लोग अभी बहुत कुछ नहीं जानते थे, जो आपसे 2 महीने में हम लोगों ने सीखा है, ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं इसकी हकीकत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत से कार्यों में सर के साथ मैं लगा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि कैसे कोई चीज़ की जाए। मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम कहाँ किया जाए, मैंने राजीव मिल्ली के कमेटी हाल में किया जाए या समाज भवन में किया जाए। फिर मेरे समझ में ये आया कि इन द फ्रेज 70 बिलियन फ्रॉम होम, 50 बिलियन फ्रॉम होम, और ये हमारे सभी जो वाइस चांसलर रेजिडेंस है, ये हमारी सारी फैकल्टी का फर्स्ट होम है।
और यूनिवर्सिटी का फर्स्ट होम और हमने सोचा यहाँ डेमोस्ट्रेट करते हैं, उसके फिर आगे हम लोग चले। तो पहली जो मशीन हम लोग ने आज हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं वो वाइस चांसलर रेजिडेंस में करने जा रहे हैं, जो छोटी मशीन है उसका मतलब एक बार में आप डालिएगा तो 10 किलो खाद बनाएगा, 10 किलो खाद बनाएगा या 10 किलो कचरा, 10 किलो खाद में कन्वर्ट करेगा और उसको डालते जाइए तो वो खाद बनती जाएगी। तो हमारा प्लान ये है कि आज इनॉग्रेट ये करके आने वाले 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हम लोग ये सारे कैंपस में ये मशीन लगाने जा रहे हैं। बाकी मशीनें कल हम लोग ने इंटरव्यू काउंसिल में इसका पैसा भी पास करा लिया और उसका ऑर्डर आज जा रहा है और होपफुली वो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर डिस्पैच हो जाएगी। प्लानिंग ये है कि हम लोग एक डीडी यूनिवर्सिटी की पहली नॉन प्रॉफिट कंपनी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक टास्क फोर्स बनाने जा रहा हूँ जिसके कन्वीनर होंगे DSW और उसकी नोडल ऑफिसर होंगी स्मृति जो बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये लोग अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे और उस नॉन प्रॉफिट कंपनी के माध्यम से ये हम पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको प्रॉफिट के मोड में लाएंगे। प्लान ये है कि हम लोग पहले अपने कैंपस में एस्टेब्लिश करके गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके कमिश्नर से एक वार्ता करेंगे, कहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें, फंड से सपोर्ट करें और ह्यूमन रिसोर्सेज सपोर्ट करें, मशीन लगा देना ही पूरा नहीं है। इसीलिए आज सारी जो विश्वविद्यालय की फैमिली के सामने खासकर हेड लोगों के सामने मैं इस चीज़ का डिक्लेरेशन और वहाँ से जो अभी निकलेगा उसको सिर्फ 10 दिन हमें इंक्यूबेट करना है एज सच, उसमें कोई तैयार और ये रेडी टू यूज़ है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको छान ले पतले कपड़े से, जो पाउडर है उसको पैकेट्स में डाल के हम सेल भी कर सकते हैं। आज ये एक मशीन इंस्टॉल हुई है जो कि जो हमारा जो डिग्रेडेबल वेस्ट है, जो खाना का वेस्ट है, फूल पत्तियों का वेस्ट है और भी जो वेस्ट है वो इसमें डाल के खाद में बदलेगा। तो ये एक पहली मशीन हम लोग ने वीसी लाज में लगाई है, तो यहाँ का जितना कचरा है यहाँ के फ्लावर घास का वो सारा इसमें हम लोग इसमें डालेंगे और बाहर नहीं फेंकेंगे और ये खाद में बदल जाएगा। इसके साथ साथ एक पैकेजिंग की भी मशीन लगने की वो है जो कि उसको पैकेज बना के हम लोग उसकी मार्केटिंग करेंगे। ऐसी करीब इससे बड़ी मशीनें अब हमारे हॉस्टल में 3 मशीनें हॉस्टल्स में लगेंगी, एक हमारी कॉलोनी में लगेगी और एक बहुत बड़ी जो 100 kg कुछ घंटों में कचरा बना सकती है, कचरे को फर्टिलाइजर बना सकती है, वो हमारे मेन कैंपस में लगेगी। और ये हम लोग कार्य लगभग 3 हफ्ते में सारी मशीनों को लगवा देंगे और इस सिलसिले में हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर से एक MOU करने जा रहे हैं जो कि उनसे हम लोग कहेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें मदद करें। जब हम लोग ये स्टैंडर्डाइज कर लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे शहर में। तो वो कैसे होगा वो फ्यूचर बताएगा, जितना कॉपरेशन मिलेगा हम कैसे चल रहे हैं। और इसके लिए हम एक फर्स्ट नॉन प्रॉफिट कंपनी DDU की लॉन्च कर रहे हैं जो उस कंपनी के माध्यम से ये सारा चलेगा, जिसे कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन या किसी का उसका ज़्यादा इंटरफेरेंस उसमें ना रहे। जो लोग कंपनी में हैं वो अपने रिसोर्सेज से चलाएं, प्रॉफिट मोड में चलाएं। नॉन प्रॉफिट कंपनी नॉन प्रॉफिट होती है, जो प्रॉफिट होगा उसी में लगेगा, उस कंपनी में लगेगा, उसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये है, ये हमने सीख ली है इंदौर सिटी से, जो इंदौर सिटी में ऐसी मशीनें जगह जगह पर लगी हुई हैं और इसीलिए वो नंबर 1 सिटी आ रहा है लास्ट 3 से 4 सालों से। और हमारी कोशिश है कि हम लोग इंदौर को आने वाले दिनों में टक्कर दें सफाई में।